Hey, what's up guys? How are you? I hope you all are fine. Today in this video, we solve the question number 8 of IAS Agarwal class 10, chapter number 1A. Okay, so question number 8 हमारा कहता है, prove that if x and y are both odd positive integers, then x square plus y square is even but not divisible by 4. ठीक है, कहता है कि प्रूफ कीजिए कि x एंड y जो है बोथ जो है दोनों दोनों जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और यदि उसको x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर में लिखा जाता है तो वो इवन तो होता है बट वो 4 से डिविजिबल नहीं है. ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं, तो चलिए इसके लिए हम लिखते हैं कि वी नो दैट any odd positive integer is of the form 2n plus 1 where ये 1 है. ठीक है, where n is एन इंटीजर. ठीक है, चलिए तो यहाँ हमने लिखा है कि जो हमको पता है कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं इज जो उनका जो रूप होता है वो 2n प्लस 1 के फॉर्म में होता है. ठीक है जी, और जहाँ पर जो n होता है वो एक इंटीजर्स होता है. ठीक है, क्योंकि इंटीजर्स वाली बातें यहाँ पे की गई है, तुमको उसी फॉर्म में हमको क्या करना है, लिखना भी है. चल लिखेंगे, सो लेट, अब मान लेते हैं x इज इक्वल टू, मान लेते हैं 2p प्लस 1 मान लेते हैं, एंड y के लिए हम ले लेते हैं 2q प्लस 1. देखिए इसी फॉर्म में ना 2n की जगह पर हमने x के लिए p ले लिया है, y के लिए q ले लिया है हमने. ठीक है, 4 सम इंटीजर P एंड Q, क्योंकि हमको लिखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन तो हमको इस चीज़ का अलाउ कर नहीं रहा था कि कौन सी चीज़ें आपको लेनी है. ठीक है, चलो लिखेंगे, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस की बात करते हैं. ठीक है, क्वेश्चंस कहता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के फॉर्म में किया है जी. तो चलिए एक्स के लिए हमने वैल्यू लिया है 2p प्लस 1 एड 2q प्लस 1 का होल स्क्वायर. ठीक है, तो a प्लस बी के फॉर्म में यदि हम इसको तोड़े तो हो जाएगा 4p स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4p प्लस, इसके लिए हम देखें तो हो जाएगा 4q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4q. ठीक है जी, चलिए अब देखिए सबको मैं एक साथ सजा लेते तो हो जाएगा 4p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर प्लस 4p प्लस 4q प्लस 2. चलिए इसको अगर 4 कॉमन निकालने तो हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी प्लस क्यू प्लस 2. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इतना को हम मान लेते हैं m. ठीक है जी, चलिए अब यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो यदि हम इसमें अगर हम दो कॉमन निकाल लें, ठीक है, दो कॉमन यदि हम निकाल लेते तो आगे वाला 2 हो जाता है. जब आगे वाला नंबर 2 हो जाएगा तो क्या ये 4 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा. और यदि हम सिर्फ इसकी बात करें m, तो यहाँ पर ये तो क्या मल्टीपल है ना, अगर हम 2 को यदि यहाँ से हटा लें, ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा, 4 का मल्टीपल हो जाएगा. और हम सबको पता है कि 4 का मल्टीपल तो 4 से डिविजन होगा ही, बट यदि हम इसे 4 से डिवाइड करें, क्योंकि इसको हटा तो नहीं सकते ना, 4 से यदि हम डिवाइड दें तो 4 तो चला जाएगा बट 1/2 बच जाएगा, फिर भी 2 आ रहा है. और जब हमको पता है कि यदि किसी 4 के मल्टीपल में यदि हम 2 ऐड करेंगे तो वो 4 से डिविजिबल ना हो के 2 से डिविजिबल होगा, यानी वो इवन तो होगा बट वो जो है 4 से डिविजिबल नहीं होगा. ठीक है, तो इसी के लिए चलिए हम यहाँ पे कुछ लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं वेयर एम इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी प्लस क्यू. ठीक है,
लिखते हैं हेयर हेयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इवन एंड लीव्स रिमाइंडर टू व्हेन व्हेन डिवाइडेड बाय फोर। हम निकाल यदि हम इसमें फोर से यदि हम डिविजल भी कर दे तो फोर से फोर डिविजल तो हो जाएगा बट टू बच जाता है, जो एक इवेन तो हो जाएगा बट वो फोर से डिविजिबल नहीं होगा। देयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इवेन बट नॉट डिविजिबल बाई फोर, बट नॉट डिविजिबल बाई फोर। ठीक है, यही चीज़ें तो हमको ज्ञात करने बोल रहा था। देखिए ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर आपको सिंपल सा दिया हुआ था कि एक नंबर जो है एक्स एंड वाई है, जो कि बोथ जो है पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई के स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं तो वो इवन तो होते हैं बट वो फोर से डिविजिबल नहीं होते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, उसी चीज़ों को हमने माना। हमने एक्स के लिए 2p+1 रखा, वाई के लिए 2q+1 रखा। ठीक है, जिसमें हमने इंटीजर पी एन क्यू शामिल किया। हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू रखी। जो वैल्यू आया हमने उसमें जो चीज़ें वैल्यू नहीं निकलती उसको हमने एम एम माना। हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या, यदि हम इसमें हम दो से भी डिवाइड करते हैं तो ये आगे वाला टू हो जा रहा है, और 2m+2 अगर होता है तो वो टू से डिविजिबल होगा ना कि फोर से। यदि हम यहाँ पे फोर से डिविजिबल करते हैं तो फिर भी टू तो हमारा रिमाइंडर बच ही जाता है, जो कि क्या है, एक इवेन है बट वो जो है आपका टू से डिवाइड नहीं हो पा रहा। ठीक है, चलिए तो ये चीज़ें हमको करनी थी, यही चीज़ हमको यहाँ करना, तो लिख देते प्रूफ। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और हाँ इससे पिछली वीडियो के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे, तो उसको जरूर चेकआउट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।